जबलपुर में नकली इंजेक्शन लगाने वाले सिटी अस्पताल के कारनामों की अब लगातार पोल खुल रही है। मामला उजागर होने के बाद अब लोग अस्पताल संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस से शिकायत में परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ ओमती थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही मांग की है कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अस्पताल संचालक पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। आपको बता दें, सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा लगातार गिरते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे परिजनों ने भी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी शुरू कर दी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि परिजनों की शिकायत को पुलिस कितनी गंभीरता से लेती है, क्या कार्रवाई करती है। मोखा जी के क्या हुआ था? बताइए क्या कुछ हुआ था आपके साथ, क्या कुछ हुआ बताइए। दूर रखे। हाँ जी बताइए 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 क्या क्या हुआ। उन्हें नकली रेमडेसिविर लगाए गए, कहाँ 7 रेमडेसिविर लगे हैं। 1 मई को वो एडमिट थे, 9 मई को शांत हो गए, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। 7 मई तक का वीडियो मेरे पास है उनका कि वो अच्छे थे। और कितने इंजेक्शन लगे उनको? 7 और या 8 बोल रहे थे, कुछ कंफर्म नहीं बता रहे थे वो। कितना पैसा लिया गया है? 3.5 लाख रुपए। आज आप कहाँ शिकायत करी है? SP ऑफिस। हाँ सर, अभी एक शिकायत आई है, मेरे शिकायत ये है कि एक महिला नीतु शिवारा अभी आई है, जो उनके पति सर्वाजी श्री मनीष शिवहरा जी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। तो ये इनकी शिकायत है कि शायद इनको भी वह गलत रेमडेसिविर लगाए गए हैं, नकली रेमडेसिविर, और इनको सिटी हॉस्पिटल ने सारे डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए गए। तो इस तथ्य की हम जांच करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है।